भैया, छात्रों, मैं आज आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में कारक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, हिंदी में कारक शायद आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो अब पढ़ लेंगे, लेकिन संस्कृत में हम कारक आपको बतलाने जा रहे हैं। तो संस्कृत में कारक क्या है? तो क्रियान्वितं कारकम्, क्रिया का संपादन करने वाला कारक होता है। संपादन मतलब होता है संपन्न करना। क्रिया का संपादन या क्रिया को संपन्न करने वाला कारक होता है। छात्रों, हमें आप लोगों को क्रिया की परिभाषा शायद बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जिस शब्द से काम के करने या होने का बोध हो वह क्रिया होता है, और उस क्रिया का जो संपादन करता है वह कारक होता है। दूसरी परिभाषा है इसकी कि क्रिया जनकत्वम कारकम, यानी जो शब्द क्रिया का सहायक सिद्ध होता है कारक कहलाता है। जो शब्द क्रिया का सहायक सिद्ध होता है कारक कहलाता है। जैसे सीता कलम से पत्र लिखती है, इसमें कलम से में जो यह से है यह करण कारक का चिन्ह है। तो यह क्या कर रहा है? कलम से लिखने का काम कर रहा है। लिखना जो क्या है? क्रिया है। तो इस क्रिया का जो संपादन कर रहा है वह कलम कर रहा है, इसलिए यहां कलम से का जो से है वह कारक कहलाया। तो जो शब्द क्रिया का सहायक सिद्ध होता है, तो यहां कलम से लिखने क्रिया, लिखना क्रिया का सहायक है, इसलिए से जो है क्या हो गया? कारक कहलाया। अब बच्चों, कारक को संस्कृत व्याकरण में विभक्ति भी कहा जाता है। आप जो अपने मणिका संस्कृत व्याकरण में जो शब्द रूप देखते हैं, इसमें विभक्तियां रहती है प्रथमा से लेकर संबोधन तक, और प्रथमा से लेकर सप्तमी तक वो सारी विभक्तियां संस्कृत में कहलाती है और हिंदी में वही कारक होती है। अब है कि संस्कृत व्याकरण में कारक को 6 भागों में बांटा गया है। आप लोग यदि कारक पढ़े होंगे छात्रों, तो आप लोग यह पढ़े होंगे कि कारक के 8 प्रकार होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में कारक को 6 भागों में बांटा गया है। लेकिन जब हम अनुवाद कार्य करते हैं, अनुवाद कार्य के लिए 8 कारकों का प्रयोग किया जाता है। अब है कि कारकों के अर्थ को व्यक्त करने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारकों के अर्थ को व्यक्त करने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। देखो बच्चों, यहां विभक्ति, कारक और चिन्ह, ये छात्रों सभी को याद हो जाना चाहिए। ये आप जैसे ही याद करेंगे
तो आपको आधा से ज्यादा संस्कृत आप समझ जाएंगे। विभक्ति कारक चिन्ह, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक चिन्ह ने, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक चिन्ह को, तृतीय विभक्ति करण कारक चिन्ह से के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक चिन्ह को या के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान कारक चिन्ह से, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक चिन्ह का के की रेड़ी, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक चिन्ह में पैर पर संबोधन कारक संबोधन और चिन्ह इसका हे अरे हो। छात्रों, आपका जो शब्द रूप है, आप लोगों को जो शब्द रूप पढ़ना है वह दो प्रकार का, एक संज्ञा शब्द रूप और एक सर्वनाम शब्द रूप। छात्रों, हमें संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा शायद आप लोगों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। यह जो शब्द रूप के लिए जो आप देख रहे हैं विभक्तियां, तो संज्ञा जो शब्द रूप होता है वह संबोधन कारक तक होता है, लेकिन जो सर्वनाम शब्द रूप होता है वह सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक तक ही होता है। तो बच्चों, यह आपको अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए कि किस शब्द रूप का किस विभक्ति तक प्रयोग होता है। संज्ञा शब्द रूप का संबोधन तक शब्द रूप चलता है, सर्वनाम शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति तक शब्द रूप चलता है। पुनः छात्रों, पिछले वीडियो में हम आपको कारक के बारे में बतलाए, अब हम कारक का प्रयोग, अभी जो आप कारक का भेद पढ़े, अब उस भेद जो है, जो प्रकार है, उस किस कारक का क्या प्रयोग है वह आपको हम बतलाने जा रहे हैं। तो पहला जो कारक है वह है कर्ता कारक, जो कार्य का निष्पादन करे या जो कार्य को संपन्न करे वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे मैं जाता हूं, यहां पर मैं करता है क्योंकि यह जाने की क्रिया को कर रहा है। तो जो कार्य का निष्पादन करे या जो कार्य को संपन्न करे वह कर्ता कारक कहलाता है। यहाँ मैं कार्य का निष्पादन कर रहा है, यहाँ जो क्रिया है वह है जाना, जाना क्रिया का जो निष्पादन कर रहा है, जो काम कर रहा है वह है मैं। तो यहाँ मैं क्या हो गया? कर्ता कारक। लगता है बच्चों कि आप समझ गए हो। अब है दूसरा कर्म कारक, जिस शब्द पर क्रिया का फल या
प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जिस शब्द पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, यहां पर जो जाने की क्रिया कर रहा है वह करता है, तो यहां पर मोहन जाने की क्रिया कर रहा है तो मोहन करता हो गया और क्रिया यहां हो गया जाना। तो परिभाषा कह रहा है कि जिस शब्द पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। तो क्रिया इसमें जाना है, इस जाना क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है वह स्कूल पर पड़ रहा है। आखिर उसका जो गंतव्य स्थान है, उसका जो जाने वाला स्थान है वह स्कूल है। तो इस स्कूल पर जाना क्रिया का फल पड़ रहा है तो यह स्कूल क्या हो गया, कर्म हो गया। अब है तीसरा करण कारक। जिस साधन के द्वारा क्रिया किया जाए वह कर्म कारक कहलाता है। जिस साधन के द्वारा, साधन को बच्चों जान रहे हो, सोर्स, जिस सोर्स के थ्रू वर्क हो, यानी जिस साधन के द्वारा क्रिया किया जाए वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे लड़के गेंद से खेलते हैं तो इसमें लड़के जो है यह खेलने की क्रिया कर रहे हैं तो लड़के हो गए यहां पर क्या, तो कर्ता। लड़के खेलने की क्रिया कर रहे हैं तो लड़के हो गए कर्ता और खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। लेकिन खेलने का जो साधन है, खेलने का जो सोर्स है वह है गेंद से। तो यहां गेंद से क्या हो गया, करण कारक हो गया। गेंद से करण कारक हो गया। देखो कारक का दो चिन्ह समान है, करण का से और अपादान का से। तो एक से में करण के से में लगाव होता है और अपादान के से में अलगाव होता है। अब यहां गेंद से जब लगाव होगा तभी लड़के खेलेंगे तो यह करण कारक हो गया। देखो जो कार्य का निष्पादन करता है, जो काम को संपन्न करता है वह कर्ता कारक होता है। तो यहाँ लड़के सब खेलने की क्रिया कर रहे हैं तो लड़के कर्ता हो गए और खेलना जो क्रिया है उस क्रिया का जो साधन है वह गेंद है। किससे खेल रहे हैं, तो गेंद से खेल रहे हैं। तो यहां गेंद से कर्म कारक हुआ। अब अगला है संप्रदान कारक। कर्ता
जिसके लिए क्रिया करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे मोहन सोहन को किताब देता है। अब यहां मोहन करता है क्योंकि मोहन देने की क्रिया कर रहा है, तो जो क्रिया कर रहा है करता वही है, तो यहां मोहन क्या हो गया, करता। अब यह क्या कर रहा है, दे रहा है, तो यहां देना क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब देखो किसको दे रहा है, तो सोहन को दे रहा है, तो यहां जिसके लिए क्रिया हो वह संप्रदान कारक है, परिभाषा करे करता, जिसके लिए क्रिया करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। तो यहां मोहन सोहन के लिए क्रिया कर रहा है देने का, तो यहां सोहन क्या हो गया, संप्रदान कारक। और क्या दे रहा है, तो किताब दे रहा है, तो यह किताब क्या हो गया, इस देना क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, किताब क्या हो गया यहां पर, तो कर्म हो गया। तो बच्चों मुझे यह आशा है कि आप लोग मेरे द्वारा कारक का प्रयोग जो कर्ता से लेकर संप्रदान तक पढ़ा है उसको आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।